नागपुर शहर में कई आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस विभाग को है। ऐसे फरार और वांटेड आरोपियों के लिए शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इनके मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत तहसील पुलिस द्वारा एक विशेष टीम बनाई गई है। वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी विशेष अभियान के तहत तहसील पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तहसील पुलिस थाने की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर से हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने बातचीत की। आइए डालते हैं एक नजर। शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इनके मार्गदर्शन में जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत कुछ आरोपियों को तहसील पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। ये पूरा अभियान क्या है, क्या पूरा मामला है? माननीय पुलिस आयुक्त नागपुर सर, इन्होंने नागपुर शहर में फरार और पाए असले आरोपी की एक लिस्ट बनाई है, और जबकि कई सालों से फरार है और इसीलिए गुंडेगरी क्षेत्र में उसका एक अलग प्रकार का माहौल तैयार हो रहा था। इसलिए माननीय पुलिस आयुक्त में पिछले 3 दिन से शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ जो फरार और पाए है इनकी यादी में जो आरोपी है उनको तुरंत अरेस्ट करने के जो आदेश दिए थे, उस मुताबिक पुलिस स्टेशन तहसील अंतर्गत एक हमने पतक तैयार किए थे और दिनांक 1/9/2019 को पुलिस स्टेशन तहसील अंतर्गत देवड़िया स्कूल के पास वाहन पार्किंग के कारण से पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 471/2019 कलम 307 143 147 148 149 IPC दर्ज हुआ था, और उसमें जो आरोपी थे उसमें एक सुरेश विलास लांजेवार उम्र 22 साल झोपड़पट्टी शास्त्री नगर कुम्भाटोली पुलिस स्टेशन नंदनवन, और दूसरा आरोपी सागर शंकर मोहरले उम्र 30 साल शास्त्री नगर झोपड़पट्टी पुलिस स्टेशन नंदनवन, ये दिनांक 2/1/2019 से सदर गुंदे में फरार थे। इस फरार और पाए असले के अंतर्गत हम अभियान में हमारे पतक ने आज उनको अरेस्ट किया है और अभी दोनों आरोपी को विद्यमान कोर्ट में पुटअप किया जाएगा। माननीय पुलिस आयुक्त के आदेश पर हमारा जो अभियान चालू है इसमें और फरार और पाए असले आरोपी हमको मिलेंगे, ऐसे हमको होप है। यह अभियान कितने दिनों का है, कुछ इसके लिए डेडलाइन दी गई है? हाँ, माननीय पुलिस आयुक्त ने ये पूरे एक महीना इसी अभियान के अंतर्गत पूरे फरार और पाए असले आरोपी अरेस्ट करने को हमको आदेशित किए हैं, और उस मुताबिक हमको जो हमारे पुलिस स्टेशन तहसील में फरार में 9 आरोपी है और पाए में वांटेड में 46 आरोपी है, इस प्रकार हमको ये सभी आरोपी इस अभियान के दौरान अरेस्ट करना है। शहर में ये जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, एक महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिससे शहर में काफ़ी हद तक गुनाहों पे अंकुश लग सकेगा, ऐसी अपेक्षा इस अभियान के तहत दर्शाई जा रही है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।